अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आई क्यू ऑर्गेनिक की फेशियल किट का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। इनकी हाइड्रा फेशियल किट ये मैंने बाय की थी। मुझे काफ़ी लड़कियों के DM आ रहे थे इंस्टा पे कि आप ही इसे मंगवाएं और इसका जो है आप रिव्यू शेयर करें, तो मैंने इसे मंगवाई है। 7000 की ये मुझे किट पड़ी है, सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैंने मंगवाई है ताकि इसका रिव्यू शेयर कर सकूँ मैं आप लोगों के साथ। अच्छा जनाब, पीछे इसके सारे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, कि फेशियल को किस तरीके से करना है। 9 स्टेप हैं इसके अंदर, 9 क्रीम्स हैं, ये सारी देख लें आप। और साथ एक जेडे रोलर है, ठीक है, इनके साथ जेडे रोलर इन्होंने इसके अंदर ही दिया था, तो आप लोग भी मंगवाएंगे तो आप लोगों को भी मिलेगा। और जी जनाब, ये 9 क्रीम है इसके अंदर, और स्टेप बाय स्टेप आप शुरू करते हैं। स्टेप्स इन्होंने पीछे मेंशन किए हुए और क्रीम्स के ऊपर भी लिखे हुए हैं, 1 और 2 इस तरह नंबर इन्होंने इसके ऊपर भी दिए हुए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इनका है डिटॉक्स टोनर। टोनर को जो है अपने फेस पर मसाज करेंगे, ठीक है, 2 मिनट्स के लिए। इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे, इसको हमने साफ नहीं करना, बस लगा के हमने छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो है नंबर 2, वो हमने इसके ऊपर ही अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने टोनर को लिया है, टोनर को लेके मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया, एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर 2 जो है क्लींजिंग मिल्क है इनका, इनका क्लींजिंग मिल्क लेके मैं उससे जो है अपने फेस का मसाज करूँगी। और 7 से 5 मैंने आई थिंक सो 10 मिनट इसका मसाज किया है, ठीक है। आप लोग भी इतना ही कीजिएगा, बस बहुत होता है इतना। 10 मिनट मैंने इसका मसाज किया है अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैंने स्पंज की मदद से जो है अपना फेस साफ कर लिया है। जी जनाब, आप लोग भी इसी तरह अच्छे तरीके से मसाज कीजिएगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, मेरी तरफ से रिकमेंड है ये फेशियल, क्योंकि मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। ईद से पहले मैंने बाय किया था, और ईद से पहले मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ, दूसरी दफ़ा अब मैं कर रही थी और साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। थर्ड स्टेप जो है इनका स्क्रब है। इनका स्क्रब जो है वो मैंने फेस पे 5 से 7 मिनट जो है आपने अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज करना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट मैंने जो है इसका अच्छे तरीके से मसाज किया है। ये नंबर 3 है इनका स्क्रब। अब मैं इसका स्क्रब अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी, लगा के हल्का हल्का मैं अपने हाथ को गीला करती जाऊंगी और पानी की मदद से मैं अपने फेस का मसाज करती जाऊंगी। अच्छा, मेरी तरफ से रिकमेंड है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। तो मैंने ये अभी सेकंड टाइम किया है, सेकंड टाइम मैं वीडियो बनाते हुए कर रही हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक फॉल्ट है, फॉल्ट ये है कि इसके जो पंप है ना वो नहीं काम करते। बड़ी मुश्किल से मैंने खोल खोल के वीडियो बनाई है, और क्रीम्स मैंने अपने हाथ पे निकाली और रिकॉर्ड किए, ये मुझे ही पता है। बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, एक तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और ऊपर से जो है वो क्रीम्स जो है वो पंप जो है वो काम नहीं कर रहे थे। क्रीम को खोलती थी, हाथ पर लेती थी और फिर मैं अप्लाई करती थी। रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पंप जो है बॉटलों के वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसमें ये फॉल्ट है। हाँ जी जनाब, स्क्रब जो है मैंने अच्छे तरीके से अब रिमूव कर दिया है करने के बाद। उसके बाद जो है इनकी ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग मसाज क्रीम है, ठीक है। ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग फेस मसाज क्रीम आपने 12 से 15 मिनट जो है उसका मसाज करना है, और उसका मसाज करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप इनका डिटॉक्स टोनर है उसी के साथ करेंगे। रिजल्ट देखें कितने अच्छे हैं। स्क्रब करते ही जो है मेरा चेहरा इतना क्लियर लगने लग गया, और डेड स्किन जो रिमूव हो जाती है स्क्रब से, तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा क्लीन और क्लियर लग रही थी। जी जरा, अभी देखें मसाज क्रीम मैंने अपने हाथ पे ली, क्योंकि पंप तो काम नहीं कर रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने अपने हाथ पर निकाली है। और अब ये मसाज क्रीम मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। आप लोग चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर मेंशन किया हुआ है कि आप लोग टोनर के साथ जो है टोनर अपने हाथों पर लें, क्योंकि वो वाटर फॉर्म में ही है, और उसके साथ ही इसका मसाज करें। जी जनाब, 12 से 15 मिनट जो है मैंने अच्छे तरीके से इसका मसाज किया है टोनर के साथ। अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी मसाज कर लेना है। अभी आगे आगे देखेंगे स्किन कितनी क्लियर और साफ होती जाएगी, रिजल्ट आप लोगों को खुद नज़र आएगा। जी जनाब, इसे साफ करने के बाद जो है इंस्टेंट क्लियर जेल नंबर 5 स्टेप जो है वो हम, अच्छा, इसे अप्लाई करने से पहले जो है हम स्टीम लेंगे, ठीक है, वार्म वाटर से और टॉवल लेकर। और स्टीम लेने के बाद जो है हम ये ब्लैक हेड और वाइट हेड जो है रिमूव करने वाला जेल है इंस्टेंट क्लियर जेल, इसको हम इसकी एक अच्छी अमाउंट जो है अपने फेस पर लगाएंगे, और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद हम इसे रिमूव कर देंगे और पिन की मदद से जो है अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर देंगे। जी जनाब, यहाँ पे जो है आप लोगों ने स्टीम लाजमी लेनी है, स्टीम लीजिएगा, ठीक है।
ऊपर टॉवल लेकर अपने सर मुंह पर, और स्टीम लेने के बाद फिर आप लोगों ने जो है 15 मिनट के लिए ये वाला इंस्टेंट क्लियर जेल लगा के छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जो आपने इसको रिमूव करके और पिन की मदद से अपने जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। हाँ जी जनाब, उसके बाद जो है नंबर 6 स्टेप आता है। पहले हम इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करके जो है मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने यहाँ पे स्टीम नहीं ली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ स्टीम लेना ज़रूरी है, ठीक है जी जनाब। इसको 15 मिनट अप्लाई करने के बाद, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद, पिन से ब्लैक हेड्स रिमूव करने वाली पिन मिलती है उससे ब्लैक हेड्स रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद जी जनाब फेस हमने साफ कर लेना है। उसके बाद जो है हमारे पास एलोडर्मा हाइड्रेटिंग जेल है, इसे हमने अपने फेस पर अप्लाई करना है 1 मिनट के लिए, और फिर हमने इसको वॉश कर देना है, ठीक है, साफ कर देना है। उसके बाद हमने जेडे रोलर की मदद से 2 मिनट जो है अपने फेस का मसाज करना है। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ था कि अप्लाई थिक लेयर ऑफ हाइड्रेटिंग जेल ऑन फेस एंड लीव इट फॉर 1 मिनट, लेकिन मैंने कोई नहीं इसको वॉश किया। 1 मिनट के बाद मैंने इसको लगा के जेडे रोलर का मसाज किया था। आप लोग भी ऐसा ही कर लीजिएगा, कुछ नहीं होता। इसे आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद ये जेल फॉर्म में फ़ौरन से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप जेडे रोलर की मदद से जो है अपनी स्किन पर मसाज कर लीजिएगा। और जेडे रोलर का क्या काम होता है, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन पे ग्लो देता है, आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करता है, और आपकी जो ढलकी हुई स्किन है इसको टाइटन अप करता है। अच्छा, एक मेरे पास ये दो इस तरीके से हैं कि एक मेरे पास पहले था, ठीक है, मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ। एक मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, एक इन्होंने भेज दिया फेशियल के अंदर, तो मेरे पास दो हो गए हैं। तो मैंने इन दोनों की मदद से जो है जेडे रोलर का मसाज अपने पूरे फेस पर किया, ठीक है। आप लोग भी देख लें किस तरीके से इसका मसाज करना है। ऊपर की तरफ हमने इसका मसाज करना है। अच्छा, जो इसके बैक पे ये छोटे वाले रोलर दिए गए हैं ना, ये हमारी आईज़ के लिए, हमारी आईज़ की पफिनेस, हमारी आईज़ के रिंकल्स को जो है रिमूव करता है। हमारी जो स्वेलिंग हुई होती है, आंखें जो सूजी सूजी लग रही होती हैं, ये उसे भी ठीक करता है। इसे आप लोग फ्रिज में रख दीजिएगा, ये वाली जो चीज़ है, ये बैक के जो छोटे रोलर हैं, ये आईज़ के लिए, ठीक है। ये आईज़ की पफिनेस को ख़त्म करता है, आईज़ डार्क सर्कल को रिमूव करता है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, अगर डेली आप इसका मसाज करें। और दूसरा ये कि मैंने भी फ्रिज में रखे होते हैं, आप लोग भी लाजमी फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि ठंडे ठंडे मसाज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। फेस देखें कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ शफाफ लग रहा है, और सारी जो मैल कुचैल थी वो सारी अब इसमें से निकल गई है। जी जनाब, हमने जो है 2 मिनट जेडे रोलर का मसाज करना है। उसके बाद हमने जो है अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टेप 7। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसमें मुझे 1.5-2 घंटे बल्कि 2 घंटे ही लग गए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये फेशियल करने में, क्योंकि अगर मैं एक एक क्रीम का भी 10-10 मिनट या 15 मिनट मसाज कर रही थी तो भी इतना अच्छा खासा टाइम लग गया था। और ऊपर से 9 स्टेप्स हैं इसके, तो फेशियल बहुत अच्छा खासा टाइम लेता है ये वाला। और ये जो है मैं इनका मास्क अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, डर्मा फ्रेश क्ले मास्क। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर मैं देन अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था मुझे इतना टाइम लग गया था, मैंने कहा यार मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन ही गई। हाँ जी जनाब, ये मैं दिखा रही हूँ कि फेस कितना शेप में लग रहा है, टाइटन अप लग रहा है, क्योंकि मैंने जेडे रोलर का मसाज किया है। उसके बाद फिर मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है, तो स्किन एकदम से टाइटन अप लग रही है। जी जनाब, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अल्ट्रा ग्लो सीरम। यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि ये सीरम अप्लाई करना था, वो कपड़े मेरे गीले हो गए थे फेशियल करके। तो यहाँ पे मैं नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज करके खड़ी हुई थी, और अल्ट्रा ग्लो सीरम रात का टाइम था जब मैंने फेशियल रिकॉर्ड किया है। सीरम अप्लाई किया मैंने, और अप्लाई करके मैं इसको सो गई। अच्छा जनाब, अब इसकी केयर क्या है, इसके साथ इन्होंने जो है ना वो भी दिया हुआ है, सन ब्लॉक दिया हुआ है। सुबह उठ के लाजमी आप लोगों ने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, और 2 दिन तक जो है अल्ट्रा ग्लो सीरम आपने रात को अप्लाई करके लाजमी सोना है, और वाइटामिन सी का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी फॉर्म में हो, सीरम में हो, या किसी भी क्रीम में वाइटामिन सी का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। चलें जी जनाब, ये थी वीडियो, मेरी तरफ से रिकमेंड है, लाजमी मंगवाएं, ट्राई करें, और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। स्किन देखें मेरी कितनी ज़्यादा जो है ग्लो हो गई है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। ओके जी, रिकमेंड, अल्लाह हाफिज़।